Assalamualaikum, Gito friends, कैसे हैं आप? This is me, Mayra. I hope you are all fine. Welcome back to my channel. जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हर लड़का और लड़की अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाते हैं और अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए डिफरेंट रेमेडीज़ का यूज़ करते हैं और डिफरेंट क्रीमों का, लोशन इस तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका वक्ती तौर पे तो काफ़ी फ़ायदा हमें नज़र आ जाता है, लेकिन इसको जब हम छोड़ देते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। जैसे कि विंटर सीज़न है तो हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा पैचेस पड़ जाते हैं और ड्राइनेस आ जाती है। अगर आप भी इन प्रॉब्लम से दो चार हैं तो ये वीडियो है आपके लिए, डोंट स्किप इट। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव रेमेडीज शेयर करूँगी, जिनको आप विंटर में यूज़ करके आप भी अपने फेस पर ग्लो ला सकते हैं और स्किन को वाइट कर सकते हैं, नरम मुलायम कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। साफ़ और मुलायम स्किन के लिए दो बादाम ग्राइंड कर लें, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और शहद मिलाएं। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगा रहने दें, इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी और आपको वाजिया फ़र्क नज़र आएगा। घर में ब्लीच बनाने के लिए दही में बेसन मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। आंखों के नीचे स्याह हल्के और सूजन को कम करने के लिए आलू और खीरे का जूस मिक्स करके आंखों के नीचे लगाएं। इसको लगाने से आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और पफिनेस ख़त्म हो जाएगी। चेहरे से दाने और कील ख़त्म करने के लिए मेथी के पत्तों को पीस कर थोड़े से शहद में मिक्स कर लगाएं। इससे आपके दाने और कील महाल से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और इस रेमेडी को आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लाजमी यूज़ करना है। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, ये टिप्स अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।